राजस्थान के बाबा हर वर्ग की आवाज बनने की कोशिश करते हैं। ये बाबा हैं किरोड़ी लाल मीणा और इस वक्त वो सीएचए कर्मियों की आवाज बने हुए हैं। मामला जयपुर का है जहां सांसद किरोड़ी लाल मीणा संवेदा कर्मियों के साथ सिविल लाइन्स स्थित प्रताप सिंह खाचरियावास के निवास पर पहुंचे। ढोल नगाड़ो के साथ हाथ में तख्ती लिए ये युवा गहलोत सरकार से बहाल होने की गुहार लगा रहे थे। उनकी तख्ती पर लिखा था कि सीएचए को दिवाली का तोहफा दो गहलोत सरकार। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने इसे लेकर ट्वीट भी किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि सीएचए ने कोरोना महामारी में फ्रंटलाइन वॉरियर्स के रूप में काम किया। मुखिया जी, इनके कार्य को नजरअंदाज ना करें। आज दिवाली के मौके पर सीएचए कर्मियों की जायज मांगों को लेकर राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी के निवास पर पहुंचा। युवाओं के पहुंचने के बाद प्रताप सिंह खाचरियावास घर से बाहर आए और उन्होंने युवाओं के साथ समझाइश की। किरोड़ी लाल मीणा की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि दिवाली बाद सीएचए की समस्या को सुलझा लिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। इनकी मेहनत, इनका संघर्ष अपना एक इतिहास है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो सीमेंट फैक्ट्री का जब आंदोलन चल रहा था तो मैं खुद जब साइकिल पे जाता था स्कूल तो डाक साहब यहाँ आंदोलन करते थे फाटक। अब बड़ी बात बताऊंगा तो खुल के कह रहा हूँ, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी और भवानी सिंह जी राजा होते, दोनों कोटा से आते थे और डाक साहब के पास पीछे खड़े होकर उस आंदोलन में बैठते थे, राजनीति सीखते थे इनसे। समझ गए आप, इतने पुराने हैं। हम जैसे बच्चे साइकिल पर खड़े होकर देखते थे तो हम तो आज भी इम्प्रेस हैं। चिंता मत करो, आपके मामले में मेरी बात हुई है और मैं खुद डाक साहब को भी बुलाएंगे और फाइनल टच जब देंगे सीएम साहब से बात करके, और इसको आज सीएम साहब जोधपुर गए हुए हैं। मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करना, लेकिन मैं सुन तो लो, अब कोई बात को नहीं। तो अब जो भी स्थिति है, आप ये मान के चलो दिवाली के बाद आपका विद इन डेज, मतलब जल्दी से जल्दी, और उसमें डॉक्टर साहब को भी बुलाएं और बात करके ये सीएचए की जो प्रॉब्लम है, क्योंकि कल आपने देखा होगा सविदा वालों का भी उन्होंने किया है। अब रेगुलर वो दे रहे हैं, जब सबको दे रहे हैं तो सीएचए को भी देंगे, आपके साथ धोखा नहीं होगा, आप निश्चिंत। प्रताप सिंह खाचरियावास के आश्वासन के बाद युवाओं ने अपना धरना खत्म कर दिया। आपको बता दें कि सीएचए कर्मी लंबे वक्त से उनकी नौकरी बहाल करने के लिए गहलोत सरकार से मांग कर रहे हैं। इसे लेकर उन्होंने कई बार धरने प्रदर्शन भी किए हैं और आज अपनी मांगों को लेकर किरोड़ी बाबा के साथ ये मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के निवास पर पहुंच गए। अब सीएचए कर्मी कब तक बहाल होते हैं ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।